नमस्कार, मैं राखी गुप्ता और आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज। आइए चलते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की तरफ। बिहार पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत रेल मंत्री व संचार सह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार 7 मई 2022 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुप्रतीक्षित झंझारपुर निर्मली अमान परिवर्तित रेलखंड 32 किलोमीटर एवं निर्मली आसनपुर कुपहा नई रेल लाइन 6 किलोमीटर का विधिवत शुभारंभ करेंगे। नई रेलखंड में जिसमें रेल सेवाओं का परिचालन कार्य शुरू हो जाएगा, उच्च रेल ऑफिशियल कंफर्म जानकारी साझा की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार 7 तारीख को हरी झंडी दिखाकर दोनों नई रेल खंडों का शुभारंभ तथा नई रेल खंड का हरी झंडी दिखाकर ट्रेन सेवाओं का परिचालन का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मधुबनी जिले के झंझारपुर रेलवे स्टेशन पर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। इस तरह से रेल मंत्री श्री वैष्णव की नई दिल्ली से दोपहर 2 बजे गाड़ी संख्या 05553 झंझारपुर सहरसा डेमू पैसेंजर स्पेशल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस ट्रेन का परिचालन ओपन टाइम के मुताबिक किया जाएगा। यह रेल परियोजना 206 किलोमीटर लंबी सकरी लोकहा बाजार निर्मली एवं सहरसा फारविशगंज अमान परिवर्तन परियोजना का हिस्सा है। झंझारपुर से आसनपुर कुपहा तक 38 किलोमीटर का कार्य 556 करोड़ रुपए की लागत पूरी कर ली गई है। इन रेलखंडों का परिचालन आरंभ होने से 88 वर्षों के बाद दो भागों में विभाजित मिथिला के बीच रेल संपर्क पुनः स्थापित हो जाएगा। इससे इस क्षेत्र के लोग भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क से सीधे जुड़ सकेंगे। यह लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि का बड़ा अपेक्षित द्वार खोलेगा। बिहार से ब्यूरो प्रमुख पवन कुमार झा आज़ाद की खास रिपोर्ट। ऐसे ही अन्य बिहार की खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।